एनर्जी पर मोदी जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी लागू की गई है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाने का मिशन चल रहा है। इसमें 1 करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है। न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में काम की मैं बात करूं, एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर की टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, ये इतने बड़े बड़े लक्ष्य हैं जो भारत को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो पूंजीगत व्यय होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है, तो सड़क बनाने में, पुल बनाने में, वायु मार्ग बनाने में, जल मार्ग बनाने में जो पूंजीगत व्यय किया जाता है, जो परिसंपत्ति का सृजन किया जाता है, उससे अर्थव्यवस्था को बड़ी ऊंचाई मिलती है। 1 रुपये का पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था को 4 रुपये का लाभ पहुंचाता है। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अधोसंरचना पर खर्च किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है।